ये प्रश्न सदियों से चला रहा है कि सृष्टि में कौन बड़ा है, भक्त या भगवान। सभी व्यक्तियों के इस संबंध में अलग अलग मत है। अधिकांश लोगों का यही कहना है कि भगवान बड़े हैं, तो कुछ कहते हैं कि भक्त। लेकिन हमारी पौराणिक कथाओं में भी ऐसा कितनी बार हुआ है कि जब स्वयं भगवान को भी भक्तों के सामने झुकना पड़ा है। क्योंकि कहा जाता है कि जब प्रभु अपने भक्तों की सच्ची भक्ति से प्रसन्न हो जाते हैं तो वे भक्तों के दास तक बन जाते हैं। ऐसी एक घटना अपने देश भारत के उत्तर प्रदेश के बरेली शहर में घटित हुई है। सन 1980 दीपक दुबे भारतीय रेलवे में सीनियर सेक्शन इंजीनियर के पद से रिटायर हुए थे। रेलवे की नौकरी ने सेवानिवृत्त होने के उपरांत उन्होंने बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने का जिम्मा संभाला। हालांकि दीपक दुबे जी की पत्नी लक्ष्मी ये नहीं चाहती थी कि उनके पति एक लंबी सरकारी नौकरी करने के बाद फिर कोई कार्य करे। वो अपने पति से बार चित्रकूट में स्थित हनुमान द्वारा मंदिर में दर्शन करने की बात करती, लेकिन उनके पति हमेशा कोई ना कोई बहाना करके अपनी पत्नी को मना कर देते। एक बार जब लक्ष्मी जी ने अपने पति से हनुमान धारा मंदिर दर्शन करने जाने को बोला तो दीपक जी फिर से काम का बहाना करके टालना चाहने लगे। लेकिन इस बार लक्ष्मी जी गुस्सा हो जाती है और ऐसा गुस्सा होती है कि दीपक जी से 2 दिनों तक बात नहीं की। दीपक जी आखिरकार अपनी पत्नी का गुस्सा देख हनुमान धारा मंदिर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। दीपक जी ने ट्रेन का टिकट कराया और चित्रकूट हनुमान धारा अपनी पत्नी लक्ष्मी के साथ पहुंच गए। हनुमान धारा मंदिर तक पहुंचने के लिए आपको एक लंबी चढ़ाई के बाद 100 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है। या तो आप रोपवे का इस्तेमाल कर सकते हैं जिसमें बैठकर आप मोटे केबल के तारों के सहारे सीधे हनुमान जी के मंदिर तक पहुंच जाते हैं। अब दीपक जी और लक्ष्मी जी की उम्र 55 साल के ऊपर हो चुकी थी, इसलिए दीपक जी ने अपनी पत्नी से मंदिर तक पहुंचने के लिए रोपवे के जरिए चलने को बोला। लेकिन लक्ष्मी जी को ऊंचाई से बहुत डर लगता था, इसलिए लक्ष्मी जी अपने पति को सीढ़ियों से चलने को बोलती है। लक्ष्मी जी को 100 सीढ़ियां चढ़ना मंजूर था, लेकिन रोपवे से जाना कतई मंजूर नहीं था। वही दीपक जी चाहते थे कि उनकी पत्नी रोपवे से उनके साथ चले। इसी बात को लेकर दोनों पति पत्नी में काफी बहस हो जाती है। वो दोनों में बहस करता देख बाकी सारे यात्री रोपवे से ऊपर चले गए थे। अब नीचे रोपवे के पास सिर्फ दीपक जी और उनकी पत्नी बचे थे। अंत में अपनी पति के आगे लक्ष्मी जी को झुकना पड़ा और हिम्मत करके लक्ष्मी जी रोपवे में बैठ जाती है। रोपवे से जब दीपक जी और लक्ष्मी जी नीचे देखा तो बहुत सुंदर मनमोहक सुबह थी। चारों ओर से औषधि वाली खुशबू आ रही थी और नीचे की ओर नजर करके चल रहे थे तो पहाड़ी के बीच हरियाली देख बहुत प्रसन्न लग रहा था। अचानक से रोपवे बीच में जाकर रुक गई। पहले तो दीपक जी और लक्ष्मी जी ने सोचा कि रोपवे ऐसे ही रुका होगा, लेकिन धीरे धीरे 20 मिनट हो गया और रोपवे वहां से हिला भी नहीं, और 30 मिनट से 1 घंटा होने को आया, लेकिन रोपवे जस का तस पहाड़ों के बीच लटका रहा था और धीरे धीरे मंदिर गए श्रद्धालु की रुके रोपवे देखने लगे थे। ये देख दोनों पति पत्नी समझ गए कि कुछ गड़बड़ है। लक्ष्मी जी को तो वैसे ही ऊंचाई से डर लगता था और डर के मारे उसी रोपवे में बेहोश हो गई। अपनी पत्नी को बेहोश देख दीपक जी डर जाते हैं और रोपवे से मदद के लिए चिल्लाने लगते हैं और फिर नीचे गिरी पत्नी का सर गोद में रख कर रोने लगते हैं। दीपक जी हनुमान जी से प्रार्थना करने लगते हैं कि उनकी और उनकी पत्नी की जान बचा ले। कि तभी बाहर बहुत जोरों से जय बजरंगबली के नारे का शोर सुन वो अपने बीवी का सर धीरे से नीचे रखते हैं और रोपवे के बाहर देखते हैं तो एक बंदर रोपवे के तारों पर लटकते हुए बहुत तेजी से रोपवे की तरफ आ रहा था। बंदर रोपवे की तरफ आते देख दीपक जी हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं। वो बंदर रोपवे के छत पर कूदता है और कुछ करता है जिससे रोपवे मंदिर की तरफ चलने लगता है और मंदिर तक पहुंच जाता है और वो बंदर रोपवे के छत से कूदकर पहाड़ों के बीच कहीं भाग जाता है। वहां मौजूद लोग दीपक जी और उनकी बेहोश पत्नी को रोपवे से नीचे उतारते हैं और उनकी पत्नी के ऊपर पानी छिड़कते हैं जिससे लक्ष्मी जी को होश आ जाता है। लक्ष्मी जी को होश में आते ही वहां मौजूद श्रद्धालु और जोरों से जय श्री राम के नारे लगाने लगते हैं। लक्ष्मी जी अपने पति को पकड़कर रोने लगती है। तब लक्ष्मी जी के पति दीपक जी ने अपनी पत्नी को पूरी बात बताते हैं और उनकी बात को सुनकर लक्ष्मी जी भी जय श्री राम जपने लगती है। दोनों पति पत्नी बहुत विधि पूर्वक हनुमान जी का दर्शन करते हैं। जिस लक्ष्मी जी को ऊंचाइयों से इतना डर लगता था, अचानक से उनके अंदर पता नहीं कहां से इतनी शक्ति आ जाती है कि वो दर्शन करने के बाद उसी रोपवे से नीचे जाती है। तो देखा दोस्तों, आप लोगों ने हनुमान जी में श्रद्धा रखने वालों का हनुमान जी कभी अनिष्ट नहीं होने देते।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना ना भूले। आप पर भी हनुमान जी की कृपा बनी रहे। जय श्री राम।